नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवानी प्रचारिनेूनवादी पाश्चात्य देश तो प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को से उनको दीक्षा दे के प्रभुपाद आए न्यूयॉर्क और वहां से न्यूयॉर्क टेम्पल से प्रभुपाद को कहा आना है इंडिया में आना था भारत में लौटना था तो इस बीच में बेसिकली प्रभुपाद का जो वीजा था जो पहले एक्सपायर हो गया था और आप सबको याद होगा कि वो रिन्यू हो नहीं रहा था एक्सटेंड नहीं हो रहा था और एलन गिंसबर्ग की मदद से वो एक्सटेंड हुआ था सिक्स मंथ्स का तो उस समय सिक्स मंथ्स का एक्सटेंड जो हुआ था वो भी सिक्स मंथ्स बीत चुका है और अब उसका रिन्यू का टाइम है और रिन्यू के लिए उनको वापस इंडिया में आना है इंडिया में ना आके वो रिन्यू नहीं हो सकता है मतलब अमेरिका से बाहर जाना होगा तो उस दौरान इसको सेंटर भी स्टार्ट हो गया था प्रो की डायरेक्शन में कई डिवोटीज न्यूयॉर्क के जो डिवोटीज है उनके कॉन्टेक्ट थे और उन्होंने उनमें से कुछ डिवोटीज जाके इसकॉन के थर्ड टेम्पल स्टार्ट किया और वो टेम्पल था कनाडा में मॉन्ट्रियल में तो वो कनाडा का मॉन्ट्रियल में वो थर्ड टेंपल था और वो टेंपल प्रोपाद ने देखा नहीं है अभी तक प्रोपाद वहां पे गए नहीं तो जब ये उनका वीजा एक्सपायर हो रहा था हां तो प्रोपाद पहले ऐसे प्लान बना रहे थे कि शायद वो अमेरिका से बाहर मॉन्ट्रियल जाके रुकेंगे उस टेंपल में रुक जाएंगे और फिर वीजा जब रिन्यू हो जाएगा फिर वापस अमेरिका में आएंगे तो वो एक ऑप्शन था लेकिन साथ में प्रोपाद का अभी हेल्थ ठीक नहीं है और किसी भी तरह से प्रभुपाद को लग रहा था कहीं भी जाके वो हेल्थ ठीक नहीं होगा वो अगर ठीक होगा तो इंडिया में आके ही हो सकता है तो इसीलिए ये दोनों रीजन था कि वीजा को भी जो है रिन्यू करना था उसके लिए अमेरिका के बाहर आना है प्रभुपाद को और प्रभुपाद का हेल्थ ठीक नहीं था हेल्थ को रिवाइव करने के लिए प्रभुपाद को इंडिया इज द बेस्ट लोकेशन इसीलिए प्रभुपाद इंडिया में आने का निर्णय किया अब जब प्रभुपाद इंडिया में आ रहे हैं प्रभुपाद का हेल्थ ठीक नहीं है तो डिबोटी सारे चिंतित थे और उनको पता नहीं है कि प्रभुपाद वापस लौटेंगे भी कि नहीं तो ऐसा स्थिति था और प्रभुपाद को भी इतना श्योरिटी नहीं था कि उनका हेल्थ इंडिया में आके कितना अच्छा होगा और इतना दूर इंडिया में आके वापस वो लौट पाएंगे कि नहीं पाएंगे सो so, प्रभुपाद वॉज ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ इमोशनल और जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में आके डिवोटीज को मिले और वो जब प्रभुपाद वहां से निकल रहे तो डिवोटीज काफी एक तरह से रो रहे थे और वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद के बिना उनका कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में तो प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क टेंपल में जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फोटो थे और परंपरा के गुरु परंपरा के फोटो थे तो प्रभुपाद ने उनको दिखा के बोले कि मेरे गुरु महाराज है यहाँ पे भक्त विनोद करेंगे आप सबको प्रोटेक्ट करेंगे इस तरह से प्रभुपाद ने उनके जो स्पिरिचुअल फैमिली उनके जो न्यूली इनिशिएटेड डिसाइपल्स है उन सबको प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के क्यार में डाल के गुरु परंपरा के क्यार में रखे प्रभुपाद वहां से चल पड़े तो प्रभुपाद के साथ उनके एक शिष्य जो कीर्तन आनंद हाँ, वो उनके साथ में आए तो जब एयरपोर्ट में आए तो एयरपोर्ट में सारे आए तो उसमें तो उसमें एक जानक माता जी टिकट को ले लिया और लेके छुपा लिया बोले आई द टिकट आई है ना नाउ यू नॉट गो विदाउट टिकट सो प्रभुपत बोलने लगे तो टिकट नहीं है तो क्या है मेरा बोर्डिंग पास है बोर्डिंग पास से मैं जा सकता हूँ तो इस तरह से उनके जो डिसाइपल्स के उनके प्रति जो लव था वो देखने लायक था वो एयरपोर्ट में डिवोटीज एक रो, कोई रो रहे हैं जो इतना प्रभुपद के क्लोज पहले आए भी नहीं थे वो एयरपोर्ट में आके प्रभुपद से मिल रहे प्रभु से बात कर रहे हैं एंड प्रभुपद सबसे मिल रहे हैं तो सारे डिवोटीज को प्रोपद एनकरेज भी कर रहे हैं तो जब प्रोपाद यार फ्लाइट के लिए निकल रहे हैं बस गेट से तो प्रोपाद ने टर्न करके डी से बताया कि एक चीज मेरा इच्छा है अगर आप में से कोई कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा मुझे बहुत खुशी मिलेगी तो बहुत क्या क्या प्रभुपाद क्या बोले नाउ वी हैव टेम्पल इन न्यूयॉर्क वी हैव टेम्पल इन सैन फ्रांसिस्को वी हैव टेम्पल इन मॉन्ट्रियल पर लॉस एंजलिस में कोई टेम्पल नहीं है तो अगर आप में से कोई लॉस एंजलिस में टेम्पल स्टार्ट कर सके तो इट विल बी ग्रेट तो इस तरह से प्रभुपात बोल के फिर निकल पड़े और वो फ्लाइट से फिर जो है प्रभुपाद फाइनली आके कहाँ पे न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में आए तो जब यहाँ पे एयरपोर्ट में पहुंचे तो जैसे होता है रात था उस समय तो मिडनाइट करीब एक दो बज रहे थे रात को और उस समय जैसे एयरपोर्ट में होता है कि सारे लोग आते उनके रिश्तेदार आते हैं गाड़ी लेके आते हैं कई सारी चीज उनको स्वागत करते हैं लेकिन यहाँ पे न्यू दिल्ली में एयरपोर्ट में प्रभु को स्वागत करने के लिए कोई नहीं था ऑल द अमेरिका में एयरपोर्ट्स में बहुत सारे उनकी लविंग डिसाइपल्स होते थे लेकिन यहाँ पे न्यू दिल्ली में कोई नहीं थे तो प्रभुपाद वासे अलोन एंड उनका असिस्टेंट किर्तना आनंद जो कि पहली बार यहाँ पे आए इंडिया की कोई चीज उनको मालूम नहीं सारी चीज उनके लिए नया है और ही वाज वेरी क्यूरियस कि प्रभुपाद के संग में साथ में इंडिया में रहने का क्या एक्सपीरियंस है उसको लेने के लिए वो तैयार थे तो प्रभुपाद जब एयरपोर्ट से निकले तो बिल्कुल अकेले थे और उनको सिर्फ हाँ, टैक्सी ड्राइवर आए उनको उनसे लगेज लेने के लिए तो वैसे ही जो फेरी टैक्सी होता है तो प्रभुपाद ने एक टैक्सी को फाइनल पा, वो किया फिक्स किया फिक्स और और प्रभुपाद उनके जो सर्वेंट कीर्तनानंद बैठे वहां पे टैक्सी में और रात था तो कोई ट्रैफिक वगैरह था नहीं तो तुरंत वो लोग जो है जल्दी ही पहुंच गए कहाँ पे वो कहाँ पे पहुंचे न्यू दिल्ली में प्रभुपाद का जो ओल्ड रेसिडेंस था न्यू दिल्ली का और वो कहाँ पे है छिपी बाड़ा टेम्पल तो छिपी बाड़ा टेम्पल जहां पे रह के अपना भागवतम के ट्रांसलेशन करते थे और भागवतम की छपाई कार्य करते थे उस छिपी बाड़ा टेम्पल तक वो टैक्सी से आए और रात मिडनाइट हो रहा था सारे शांत था तो प्रभुपाद जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि कितना किराया कितना है तो उसने बोला चालीस रुपया तो प्रभुपात ने बोला ये तो बहुत ज्यादा है तो लेकिन रात हो गया तो उसने जो है ड्राइवर ने कई सारे बोले ये रात है अभी कोई नहीं मिलने वाला इतना ही है और तो फिर प्रभुपात ने ज्यादा आर्गुमेंट नहीं किया और उन्होंने उनको चालीस रुपया किराया दे दिया और वो चालीस रुपया वो चालीस रुपया था जो चालीस रुपया लेके प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो वो चालीस रुपया प्रभुपात ने खर्च नहीं किए थे अमेरिका में तो अमेरिका में एक पैसा भी वहां का खर्च नहीं किया था तो क्योंकि एक तो एक्सचेंज तो करने का वो मिला नहीं था कहीं करने के लिए और वो करने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ा क्योंकि वो जब शिप में थे तो शिप का जो कैप्टेन थे कैप्टेन को हाँ जो पांड्या थे उस कैप्टेन को उन्होंने भागवतम सेट गिफ्ट किया था और उसको डॉलर से उनसे प्राइस लिया था और वो जब अमेरिका पहुंचे थे तो उनका खर्च फिर उस डॉलर से हो गया और आगे जो भी बुक्स वगैरह प्रभुपाद ने वहां पे सेल किया उसी से प्रभुपाद का अमेरिका का खर्चा हुआ तो वो चालीस रुपया प्रोपाद ने संभाल के रखा है और दो साल बाद जब लगभग आए प्रोपाद तो यहाँ पे आके वो चालीस रुपया खर्च किया और फिर जो है वो चिपी टेंपल टेम्पल में जो है कोई था बंद था तो उन्होंने काफी जब नॉक किया तो कोई आके खुला और फिर प्रभुपाद के रूम में लेके गया प्रभुपाद गए कीर्तनानंद स्वामी उस समय स्वामी नहीं थे कीतन थे प्रभु जी तो वो प्रभुपाद के पीछे पीछे गए और उनके रूम छोटा सा रूम है और उस रूम में जाके देखे वही शेल्फ और उनका डेस्क और उनके कुछ बुक्स कुछ लिफलेट्स वो सारे पड़ा हुआ है थोड़ा सा डस्ट है धूल जमा हुआ है और वो उसी प्रकार रखा हुआ जिस तरह से प्रभुपाद ने रखे दो साल पहले गए थे उनके रूम किसी ने खोला नहीं था और वो कीर्तन जब ये देखा तो बहुत एक तरह से इमोशनल हो गए कि ये सारे चीज जैसे कैसे प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले किस तरह से सिस्टमेटिकली ये छोटा सा कमरे में बैठ के वो अपना योजना बना रहे थे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट का तो खैर वहां पे उन्होंने लगभग कुछ दिन रहे और वहां पे रहने के टाइम में प्रभुपाद का थोड़ा सा हेल्थ भी थोड़ा डाउन हुआ थोड़ा कॉफ वगैरह हुआ तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह दिए और फिर जैसे थोड़ा सा ठीक हुए तो प्रभुपाद केतनानंद को लेके पहुंचे वृंदावन तो प्रभुपाद ट्रेन में करके वृंदावन में आए और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में जो प्रभुपाद का क्वार्टर है वहां पे जाके पहुंचे तो वहां पे जाके प्रभुपाद को ऐसे लग रहा था कि प्रभुपाद वापस अपने घर में आ गए एंड प्रभुपाद बिल्कुल फ्री थे वहां पे वो उतना जो है सन्यासी का ड्रेस में जिसे अमेरिका में रॉयल लुक में रहते थे यहाँ पे बिल्कुल प्रभुपाद एक सिंपल वे से वो जो है बैठ के जो है बारांदा में बैठे के कार्य करते थे कई सारे मच्छर मक्खी आके प्रभुपाद के आसपास घूम रहे प्रभुपाद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ये देखा जब तो उनके डिसाइपल को लगा प्रभुपात सो सिंपल वृंदावन में है वहां पे ऐसे सिंपल देखा नहीं कभी और उन्होंने जैसे बहुत सारे सुना है वृंदावन के बारे में तो उनकी शिष्य जो है प्रभुपाद का भी ये था कि उन शिष्य को वो वृंदावन दिखाना चाहते कि वृंदावन कितना सुंदर जगह है पहले दिन से ही उनके शिष्य बहुत एक्साइटेड थे कि हमें वृंदावन की एक एक चीज देखना है समझना है और जो भी मिलते थे वो उनको बहुत गहराई से देखते थे कि वो कैसे डिवोटी है किस प्रकार से बातें कर रहे हैं किस प्रकार से चल रहे हैं तो वहां का जो टेम्पल का जो मेन पुजारी है उनसे भी उनको भी बहुत घोर घोर के देखते थे उन प्रभुपाद के जो शिष्य और तो उनको ऐसे लग रहा था कि सब लोग ही डिवोटी है बहुत अच्छा डिवोटी है वृंदावन में लेकिन कोई भी प्रभुपाद जैसे डिवोटी नहीं है प्रभुपाद को देखते हैं और उन डिवोटीज को देखते हैं तो वो उनको लगता कि प्रभुपाद स्पेशल और उनको ये लग रहा था कि प्रभुपाद ही हम सब को लीड कर सकते थे प्रभुपाद की जगह पे अगर कोई और आते तो शायद हम हाँ इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आते तो प्रभुपाद वृंदावन के सारे डिवोटी में से प्रभुपाद उनको स्पेशल देख रहे थे तो उस दौरान फिर प्रभुपाद के और एक शिष्य जो अच्युतानंद वो अमेरिका से फिर इंडिया में आए और वो ज्वाइन किया प्रभुपाद को तो जैसे प्रभुपाद के पास आए तो कम oh, तो वो ज्वाइन किया और प्रभुपाद का उस समय एक प्लान था कि प्रभुपाद वृंदावन में एक अमेरिकन डिसाइपल के लिए एक बिल्डिंग बनाएंगे तो वो प्रभुपाद का नाम सोच रहे थे अमेरिकन हाउस क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिकन डिवोटीज वो वृंदावन में आएंगे वो रुकेंगे यहाँ पे आगे संस्कृत सीखेंगे वृंदावन में कल्चर को सीखेंगे तो उनको रहने के लिए कोई एक जगह चाहिए तो उन्होंने ऐसे सोचा था कि अमेरिकन हाउस ऐसे कुछ एक बिल्ड करेंगे तो उसको लेके प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को लेके कहीं जगह जाते और उनका एक गॉड ब्रदर है वहां पे बॉन महाराज उनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहां पे तो वहां पे उनसे मिले प्रभुपाद और उनसे पूछे कि ऐसा कोई जगह वो दे सकते हैं क्या जहाँ पे प्रभुपाद ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे अमेरिकन हाउस जहाँ पे उनकी शिष्य रह के पढ़ सके, सके तो उन्होंने कहा जगह तो नहीं दे पाएंगे लेकिन वो उनके कॉलेज में वो पढ़ सकते हैं उनके वहां पे दे सकते हैं तो एनी anyway, तो प्रभुपाद इस तरह से वृंदावन को सारे अपने शिष्य को वृंदावन दिखाए दर्शन कराया अलग अलग चीज को एक्सप्लेन किया लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद का जो प्लान था अमेरिकन हाउस बनाने का उस समय वो धीरे धीरे कम हो गया उनको लग रहा था कि अभी प्रायोरिटी ये नहीं है तो उस दौरान फिर आ, आ, वो हो गया अः आए जन्माष्टमी प्रभुपाद यहाँ पे आए लगभग ट्वेंटी फोर्थ जुलाई ऐसे कुछ आए जुलाई के एंड में आए और फिर अगस्त में था जन्माष्टमी तो प्रभुपाद जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया राधा दामोदर मंदिर में तो आपको याद है कि एक साल पहले प्रभुपाद ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया था न्यूयॉर्क में जहां पे उसके अगले दिन प्रभुपाद ने अपनी को दीक्षा दिए थे पहला बैच को 1966 में और उससे पहले 1965 में प्रभुपाद ने अपनी जलदूत जहाज में जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए और उससे एक साल पहले फिर राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने सेलिब्रेट किया था जहां पे उन्होंने जो है यूपी का गवर्नर को इनवाइट किए थे अब इस साल अमेरिकन डिसाइपल के साथ है अभी राधा टेंपल में और वो जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो प्रभुपाद ने सोचा कुछ स्पेशल कुछ होना चाहिए इस जन्माष्टमी में तो प्रभुपाद ने प्लान किया कीर्तन कीर्तनानंद का सन्यास इनिशिएशन। तो जन्माष्टमी के दिन प्रभुपाद ने प्लान किया और ये जो है बहुत अच्छा तरह से प्रभुपाद ने किया सारे लोगों के लिए एक इंटरेस्ट की बात था सब लोग आए और इस इनिशिएशन सेरेमनी में भाग लिया और कीर्तन आनंद वॉज वेरी यंग उस समय और शेव्ड हेड और फॉरेनर थे गोरा थे पूरा और तो उनको जब सेफ्रन ड्रेस और सन्यास दंड प्रभुपाद ने दिया तो सब लोग इतना इम्प्रेस हो गए थे और सब लोग जो है बोलने लगे एक दूसरे को कि ये एकदम चैतन्य महाप्रभु की तरह दिख रहे हैं तो ये कितना हाँ, अच्छा चीजें देखिए प्रभुपाद ने कैसे अमेरिकन्स को ये वैष्णव हाँ, शिक्षा दिया है तो प्रभुपाद का ग्लोरीज़ आप वृंदावन में फैलने लगे सब जानने लगे जहां भी प्रभुपाद जाते सब प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं ऐसे भी पहले भी करते थे लेकिन अभी वो और बढ़ गया तो उसके बाद फिर सन्यास दीक्षा के बाद फिर प्रभुपाद ने कीर्तन महाराज को फिर अमेरिका भेज दी कि वो वहां पे जाए और वहां का जो प्रीचिंग है प्रचार कार्य है वो आगे बढ़ाते रहे और जैसे प्रभुपाद ने कहा था कि लॉस एंजलिस में डिवोटीज जाए तो वो डिवोटी कई डिवोटीज गए और लॉस एंजलिस में एक टेम्पल खोलने का प्रयास कर रहे हैं तो प्रभुपाद यहाँ से लेटर लिख रहे हैं डिवोटीज को न्यूयॉर्क में और सैन फ्रांसिस्को में और वो बोल रहे हैं प्रभुपाद अपना हेल्थ की अपडेट भी दे रहे हैं कि कैसे हैं वो और फिर उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि वो जाएं और अलग अलग जगह पे वो टेंपल खोलें तो डिवोटिस अभी ऑल दो उतना मेच्योर नहीं है लेकिन फिर भी प्रभुपाद समझ रहे थे कि समय कम है और ये जो है इस मूवमेंट को आगे फैलाना है तो डिवोटिस को एम्पावर करना पड़ेगा तो प्रभुपाद ने एक एक डिवोटीज को एम्पावर कर रहे थे वो बोल रहे थे एक एक डिवोटी जाके एक एक जगह पे एक, एक टेम्पल खोले तो ऐसे ही वहां सत्स्वरूप महाराज न्यूयॉर्क टेम्पल से गए और बोस्टन में जाके एक टेम्पल खोले और ऐसे ही अलग अलग जगह पे टेम्पल खोलना शुरू कर दिए डिबोटी और की एब्सेंस प्रभुपाद लेटर से ही सारे कार्य कर रहे तो वहां से फिर और एक डिबोटी रामानुजा नाम के वो यहाँ पे इंडिया में आए और प्रभुपाद को ज्वाइन किया तो अब प्रभुपाद के पास दो शिष्य है अच्युतानंद एंड रामान रामानुजा तो प्रभुपाद आप वृंदावन में कई दिन रुकने का बाद फिर प्रभुपाद ने हम जो है प्लान किया कि नवद्वीप जाने के लिए मायापुर तो उन सबको लेके उन डिवोटिस को लेके मायापुर जाएंगे तो प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर्स से भी जो है कम्युनिकेट किया और उन्होंने भी काफी उनको इनवाइट किया तो प्रभुपाद फिर फाइनली वृंदावन से दिल्ली आए और दिल्ली से फिर काल का मेल में करके ट्रेन में प्रभुपाद कलकत्ता गए अब कलकत्ता उनका जो होम टाउन है जन्म स्थान है वहां पे प्रभुपाद पहुंचे तो जब प्रभुपाद कलकत्ता में आए तो कलकत्ता हावड़ा स्टेशन में प्रभुपाद को स्वागत किया प्रभुपाद की जो फ्रेंड्स थे कलकत्ता की जो कुछ फ्रेंड्स थे रिलेटिव्स थे और उनकी सिस्टर उनकी सिस्टर के नाम भगव तारिणी है वो और उनकी फैमिली मेंबर्स वो आए हावड़ा स्टेशन में प्रभुपाद को स्वागत किए प्रभुपाद को गार्लिन वगैरह पहनाया और फिर प्रभुपाद को अपने घर में लेके गए प्रभुपाद और उनके शिष्य को और जब प्रभुपाद उनके घर पहुंचे उनके सिस्टर के घर में तो सुन के सिस्टर ने उनके लिए बहुत प्रेम से बहुत सारे आइटम्स प्रश्न प्रसादम बना के रखे थे और प्रभुपाद का हेल्थ ठीक नहीं था प्रभुपाद ये सारी चीज खा नहीं सकते थे लेकिन प्रभुपाद देखे जब सिस्टर ने कितना प्रेम से प्रभुपाद के लिए बनाया ये देख के फिर प्रभुपाद जो है ए, सिस्टर को खुश करने के लिए सिस्टर के इस लविंग रेसिप्र... लविंग ए, को एक्ट को रेसिप्रोकेट करने के लिए प्रभुपाद ने ये सारे प्रसादम बहुत प्रेम से पाया और फिर उस प्रसाद पाने के बाद फिर से प्रभुपात का हेल्थ थोड़ा डाउन हो गया तो यही चलता रहा इंडिया में कई समय तक प्रभुपात का हेल्थ थोड़ा सा ठीक होता है फिर थोड़ा सा डाउन होते हैं और यहाँ पे आके प्रभुपात फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेने लगे तो थोड़ा थोड़ा काफी बेटर हो रहे लेकिन कभी कभी फिर डाउन भी हो रहा था तो उस समय कलकत्ता में जो प्रभुपात थे तो वहां पे फिर उनके घर में ही प्रभुपात फिर लेक्चर लेने शुरू किया और जो भी आसपास के लोग है वो आते हैं और प्रभुपाद लेक्चर देते हैं और फिर प्रभुपाद कलकत्ता में जो प्रभुपाद के जितने भी गॉड ब्रदर्स थे थे प्रभुपाद जाके उन गॉड ब्रदर्स से मिलते रहते थे। तो वहां पे एक दिन जो है भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जिनसे प्रभुपाद संास दीक्षा लिए थे मथुरा में वो वहां पे थे उस समय कलकत्ता में और प्रभुपाद जाके उनसे मिले और वो उस समय काफी ओल्ड थे बिल्कुल मतलब उनके जीवन के लास्ट समय में थे तो प्रभुपाद उनसे मिले और अच्छे से बातचीत किए और उन्होंने बहुत खुश हुए प्रभुपाद को देख के और फिर उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया उनका आश्रम है नवद्वीप में तो प्रभुपाद को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा आश्रम विजिट जरूर करना नवद्वीप जब जाओगे तो प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया ठीक है यस मैं जाऊंगा तो इस तरह से उन्होंने अपने गॉड ब्रदर से सारे मिले और फिर अपने डिसाइपल्स को लेके नवद्वीप जाने के लिए उन्होंने ट्रेन से लोकल ट्रेन से कलकत्ता में लोकल ट्रेन से नवद्वीप जाने की प्लान बनाया और फिर लोकल ट्रेन से जब वो जा रहे थे तो जब नवद्वीप में जाने का रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो नवद्वीप का जो एनवायरमेंट है जो स्पिरिचुअल एनवायरमेंट है वो डिसाइपल्स को बहुत रिफ्रेशिंग लगे वो एक्चुअली अमेरिकन डिसाइपल्स जब ये लोग आए थे तो दिल्ली में खास करके जो जो छिपी वाला टेम्पल में थे और कलकत्ता में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी उनके जो डिसाइपल्स थे क्योंकि वो अमेरिकन है इंडिया में इंडिया में काफी गर्मी है और इंडिया पोल्यूशन है ये सारी चीज उनको सहन नहीं हो रहे थे उनका तबियत खराब हो रहे थे कई सारे जो डिसाइपल्स थे उनका सब का दोनों का डिसेंट्री हो गया किसी का ये हो गया किसी का वो हो गया मलेरिया हो गया इस तरह से हो रहे थे लेकिन जब वो नवद्वीप के ओर जाने लगे तो वो इतना रिफ्रेशिंग था उनको लगा सारे थकावट दूर हो गया और नवद्वीप में पहुंच के जब नवद्वीप स्टेशन में प्रभुपाद पहुंचे तो वहाँ पे प्रभुपाद के जो वहाँ के जो प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स के जो मठ थे गौर मठ थे वो उनके डिवोटीज आए प्रभुपाद को स्वागत करने के तो नवद्वीप ट्रेन स्टेशन में लगभग फिफ्टी डिवोटीज थे ब्रह्मचारी और सन्यासी डिसिपल्स जो उनके गॉड ब्रदर्स के वो लोग आए थे तो ये देख के उनके शिष्य को अच्छा लगा क्योंकि कलकत्ता वगैरह में वो दिल्ली में उनको कोई डिवोशनल एटमॉस्फेयर मिल नहीं रहता सिर्फ रहुपादी थे उनके सामने स्पिरिचुअल उसके लिए लेकिन वहां पे जब गए तो उन्होंने देखे बहुत सारे ब्रह्मचर्य उन्हीं के जैसे ब्रह्मचारी थे वहां पे तो उनको बहुत अच्छा लगा तो वो सब स्वागत किए तो प्रभुपाद उनके साथ जो है फिर गए और उनका एक गॉड ब्रदर वहां पे थे भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज तो प्रभुपाद पहले उनके आश्रम में गए और उनके आश्रम में वो ठेरे उन्होंने प्रभुपाद का स्वागत किया और प्रभुपाद के उनके शिष्य के लिए रहने के लिए वहाँ पे रूम्स दिए जगह दिया तो प्रभुपाद वहाँ पे रहे और जब भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से वो मिले तो उन्होंने प्रभुपाद का इतना ग्लोरिफिकेशन किया उन्हें बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन था महाप्रभु का भविष्य बनी था कि यह हरे कृष्ण महामंत्र पूरा विश्व में प्रचार होगा हर शहर में हर गांव में यह प्रचार होगा लेकिन अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि ये शायद विश्व मतलब भारत ही है भारत की बाहर इसका कोई संभव आ, ये संभव है ये हम सोच भी नहीं सकते थे और आप के थ्रू से चैतन्य महाप्रभु ने यह कार्य किया तो ये जो भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी उनके गॉड ब्रदर बोले तो वो ऐसे इतना उससे बोल रहे थे खुशी से कि उनकी इस बातों में कोई ईर्षा की कोई हम स्पर्श नहीं दिखाई दे रहा था कि बहुत ही प्रेम से ये बोल रहे थे खुशी के साथ बोल रहे थे एंड प्रभुपत वॉज वेरी हैप्पी तो वो यूज कर रहे थे कृष्ण कॉन्शियसनेस आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत अच्छे से फैल रहा है तो प्रभुपत पूछे क्या डू यू लाइक द वर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस तो बोले यस yes और वो श्रीधर महाराज जो है बहुत स्कॉलर um, थे बहुत डीप नॉलेज था उनका बहुत हाई रियलाइजेशन थे और प्रभुपाद बोलते थे कि वो उनका इतना नॉलेज है लेकिन वो अपने पास ही रखते हैं वो ज़्यादा प्रचार नहीं करते तो उसके अगले दिन था श्रीधर महाराज का व्यास पूजा तो श्रीला प्रभुपाद वहां पे रुके हुए थे और उनके डिसाइपल्स को प्रभुपाद ने बताया कि कल इनका मेरे गॉड ब्रदर का व्यास पूजा है तो आप लोग अच्छे से देखना कि व्यास व्यास पूजा पूजा गुरु का कैसे मनाया जाता है तो इस तरह से प्रभुपाद उनको सिखाया व्यास पूजा कैसे मनाना है। नहीं तो उन लोगों को कैसे बताया गुरु का व्यास पूजा कैसे मनाना चाहिए तो वहां पे गए और वहां पे फिर अगले दिन वो लोग देखते रहे कि उनके श्रीधर महाराज के जो शिष्य हैं वो किस तरह से महाराज के लिए व्यास व्यास आसन बना रहे हैं। रहे हैं हैं उनको वहां पे स्वागत कर और डिवोटीज उनकी ब्रदर्स को ग्लोरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं तो ये सारी चीज देखा और प्रभुपाद को भी फिर उन्होंने इन्वाइट किया बोलने के लिए तो प्रभुपाद ने बताया और सारे कई डिवोटीज ने उनकी ग्लोरिफिकेशन किया तो इस तरह से भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज का व्यास पूजा मनाया प्रभुपाद ने और उसके बाद फिर वहां पे जो भक्ति प्रशव महाराज जिनसे संन्यास लिया था उनके आश्रम भी प्रभुपाद ने विजिट किया और वहां पे भी जाने का बाद वहाँ के जो सन्यासी शिष्य थे उन महाराज का उन्होंने महाराज के बिहार पे प्रभुपाद को बहुत अच्छे से स्वागत किया महाराज के बारे में गुणगान प्रभुपाद के बारे में गुणगान किया तो इस तरह से लगभग नौ दिन प्रभुपाद नवद्वीप में थे उसके बाद प्रभुपाद नवद्वीप से वापस लौटे कलकत्ता में अब जब कलकत्ता में आए प्रभुपाद तो प्रभुपाद को मन हो रहा था कि प्रभुपाद जो है अपनी जो बचपन की जो के साथ प्रभुपाद ने बहुत टाइम स्पेंड किया जो जो राधा देव का मंदिर था जो प्रभुपाद के घर के जस्ट ऑपोजिट में था वहां उनका दर्शन करें और उनके पास जो है रहे तो प्रभुपाद अपने शिष्य को लेके वहां पे आए जो हेरिसन रोड है उसका नाम जो है अभी महात्मा गांधी रोड है तो वहां पे प्रभुपाद आए और वहां पे प्रभुपाद वाज वेरी काइंड ऑफ एक्साइटेड टू सी राधा गोविंद टेंपल और आने के रास्ते में वो अपने शिष्य को पूरा अपने बचपन की स्टोरी बता रहे थे कि वो कैसे वो घंटे घंटे अपने इस राधा गोविंद मंदिर में रहते थे और कितना एरिस्टोकेट ढंग से उनकी सेवा होता था जो वहाँ के जो मलिक फैम मलिक फैमिली थे बहुत ही धनी और वो लोग कितना धूमधाम से बहुत हाँ, के साथ उनकी सेवा करते थे तो जब प्रभुपाद पहुंचे उनके शिष्य को साथ और जब वहां पे गए तो देखे प्रभुपाद ने काफी बदल गया चीज काफी बदल गया है और अब वहाँ पे मल्लिक फैमिली का भी जो उनकी जगह थे वो काफी जगह कम हो गया और ये जो मंदिर में जो राधा कृष्ण का राधा गोविंद का जो डीटी से उनकी जो श्रृंगार है बहुत ही साधारण हो गया और उसमें उतना है नहीं उतना अच्छे से सर्विस नहीं हो रहा है एक प्रिस्ट है वो भी सैलरी दे के रखा हुआ है और वो किसी तरह से कर रहे हैं इसको देख के प्रभुपाद को बहुत दुख हुआ और प्रभुपाद फिर जो है एक तरह से रोने लगे और फिर प्रभुपाद जो है वहाँ पे जो है सोचने लगे कि ऐसे इंडिया का हाल हो गया कितने सालों में पहले इतना अच्छा वैष्णव कल्चर था अब धीरे धीरे ये कल्चर जो है धीरे धीरे खत्म होने लगे और जो ये टेम्पल है इतना आश्चर्य के साथ होता था अब ये टेम्पल भी आ, ऐसे हो गया क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण तो अब जब प्रभुपाद नवद्वीप से जब यहाँ पे आ रहे थे तो उनके जो शिष्य हैं वो प्रभुपाद से ट्रेन में पूछे अच्युतानंद कि प्रभुपाद आपका और जो श्रीधर महाराज है उनके साथ जो बातचीत हुआ वो हिंदी में बातचीत हुआ तो पूछे कि आपके बीच में क्या बातचीत हुआ तो प्रभुपाद ने बोला वो हमारा बीच में हमारे बीच में बहुत कुछ बातचीत हुआ मैंने तो उनको इवन हमारा इस कौन का मूवमेंट का प्रेसिडेंट का पद भी मैंने अफर किया उनको कि वो अभी भी चाहे तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो इस तरह से प्रभुपात बोल के फिर प्रभुपाल ने बोले इट इज बिजनेस हम लोगों का बीच में बहुत सारी बातचीत होती है और लेकिन ये आप कभी उन मेरे गॉड ब्रदर्स के बारे में कोई इल फीलिंग मत रखें क्योंकि ये जो भी हमारा बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है ओपिनियन का वो सिर्फ प्रीचिंग की मेथड को लेके है बट ऑल ऑफ देम आर ग्रेट सोल्स इस तरह से प्रोपर ने उनको बोला और उनको जो है बहुत मतलब समझ में आ गया तो इससे हमें दो प्रभुपाद का जो ये जो नवद्वीप का जो ट्रिप था इससे हमें दो शिक्षा है हमें मिलती है पहला शिक्षा तो ये है हम देखते हैं कि प्रभुपाद इतना बड़ा स्कॉलर होने का बाद भी इतना बड़ा उन्होंने मूवमेंट को स्थापन करने का बाद भी उनके गॉड ब्रदर के साथ उनके कई सारे डिफरेंसेस के बाद भी उन्होंने कहीं हेल्प मांगा लेकिन नहीं मिला उनको उसके बाद भी वो अपनी गॉड ब्रदर से मिलने जा रहे हैं अपने गॉड ब्रदर्स से उन्होंने रिलेशन बना रहे हैं उनके व्यास पूजा को अटेंड कर रहे हैं तो गॉड ब्रदर और जो बाकी अदर वैष्णव है उनके साथ हमें रिलेशन रखना बहुत आवश्यक है चाहे हम कैसे भी कितना भी एडवांस डिवोटी क्यों ना हो हमें अपने जो गॉड ब्रदर्स से और बाकी वैष्णव है उनके साथ हमें अच्छा रिलेशन रखना ये बहुत आवश्यक है दूसरा शिक्षा हमें ये मिलता है जो प्रभुपाद अपने शिष्य को बता रहे हैं जब सीनियर वैष्णव हैं हमसे सीनियर वैष्णव उनके बीच में आपस में कोई भी डिफरेंसेस अगर हो रहा है तो हम किसी भी उनमें से किसी भी वैष्णवों को गलत भावना से ना देखें उनको गलत तरीके से हम ना समझे क्योंकि हम नहीं समझ सकते उनके बीच में क्या डिस्कशन हो रही है तो इस तरह से ये दो शिक्षा हमें मिलते हैं तो अब जब प्रभुपाद यहाँ पे आए अब कहा राधा गोविंद मंदिर में प्रभुपाद रह रहे हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद को बहुत दुख हो रहा है कि उनकी स्थिति को देख के और प्रभुपाद को लग रहा है कि अब मेरा हेल्थ जल्दी ठीक हो जाए और मैं वापस यूएस में जाऊं क्योंकि इंडिया की स्थिति इंडिया में स्पिरिचुअल वैल्यू स्पिरिचुअल कल्चर वो लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं इतना सुंदर कल्चर को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग वेस्टर्न को न, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो प्रभुपाद को बहुत पेन हुआ और प्रभुपाद के हेल्थ ठीक नहीं होने जो प्रभुपाद प्लान कर रहे थे बाद थोड़ी दिन और 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 रुक के जाएंगे प्रभुपाद प्रभुपाद को और जो है है लग रहा कि नहीं इसको स्पीड अप करना है। और तुरंत अप्लाई किया वीजा के लिए और बोले मुझे जाना है अमेरिका क्योंकि वहां पे जो है नहीं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और वहां पर कृष्ण कॉन्शियसनेस फैल रहा है उनके शिष्य बहुत सिंसियरली बहुत अच्छे से भक्ति को कर रहे हैं तो और प्रभुपाद फिर वहां पे जब एक दिन लेक्चर दिया तो प्रभुपाद वहां पे रह रहे हैं तो वहां पे उनको रहने के लिए भी जगह दिया था उनको उनको शिष्य को प्रभुपाद राधा गोविंद मंदिर में रह रहे थे तो उन्होंने जो है एक डिवोटी आए थे एक व्यक्ति आए थे लेक्चर में और प्रभुपाद को दो रुपया डोनेशन दिया लेक्चर के बाद तो प्रभुपाद ने तुरंत जो है मंदिर के एक डिवोटी को बुलाया और उनको वो लक्ष्मी दे दिया और बोले राधा गोविंद जी के लिए एक अच्छा सा ड्रेस बनाओ तो इस तरह से यहाँ पे भी एक शिक्षा हमें मिलता है कि कभी कभी कोई चीज के हमें पेन होता है लाइफ में और पेन को पेन इज ए ग्रेट सोर्स फॉर इंस्पिरेशन टू डू समथिंग ग्रेट अक्सर पेन में दो चीज हो सकता है पेन से हम आ, जो है दुखी हो सकते हैं या पेन से हम जो है कुछ अच्छा चीज करने का डिजायर कर सकते तो यहाँ पे वास्तव में उनकी ये जो हाँ, हाँ, देखते हुए कि इनकी जो स्टैंडर्ड है वो गिरा हुआ है उसको देख के प्रभुपात को इतना पेन हुआ कि उनकी डिटर्मिनेशन बढ़ गया और बढ़ गया कि प्रीचिंग का और अक्सर हम देखते हैं जैसे ध्रुव महाराज वो जब अपनी सौतेली माँ के पास गए थे अपने पिता के गोद में बैठने के लिए गए थे उनकी सौतेली माँ ने उनको बैठने नहीं दिए थे तो उनको काफी पेन हुआ लेकिन उस पेन को उन्हें यूज किया एज ए इंस्पीरेशन एज ए ड्राइविंग फोर्स कि हम कुछ करना चाहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए उसी तरह कोई भी डिवो टीवी जैसे कोई अगर देखता है कि अपने रिश्तेदार किसी का डेथ होता है उनको पेन होता है अगर अगर सच में पेन होता है तो ही ट्राइज टू यूज दैट पेन एज ए ड्राइविंग फोर्स टू डू समथिंग ग्रेट So, हम लोग भी कभी लेक्चर में या कभी बेस में कभी हम देख सकते कभी देखते हैं कोई आया नहीं लेक्चर में या बेस में कोई ठीक से मतलब डिवोटिस कर नहीं रहे तो अगर हमें पेन हो रहा है इसको देख के सो रियली इफ यू फील द पेन तो हम इस पेन से फ्रस्ट्रेशन ना करके इस पेन को यूज करें एज ए इंस्पिरेशन एज ए ड्राइविंग फोर्स टू डू समथिंग ग्रेट एंड टू चेंज देशन सो इससे हमें प्रभुपाद को चार महीने का फिर से टेम्पररी वीजा मिला प्रभुपाद ने ट्राई किया था परमानेंट वीजा का वो नहीं मिला और चार महीने का टेम्पररी वीजा मिला तो प्रभुपाद फिर अपने शिष्य को यहाँ पे रख के इंडिया में रख के प्रभुप आकेले फिर अमेरिका गए और इस बार प्रभुपाद जाके पहुंचे फिर से हुई सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद पहुंचे अब सैन फ्रांसिस्को में जब पहुंच रहे हैं तो डिवोटिस तो वो दिसंबर की समय था लगभग 14 दिसंबर प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में पहुंच रहे हैं और ये लगभग पांच छह महीना थे यहाँ पे जुलाई में एंड में आए थे और यहाँ पे दिसंबर तो करीब चार पांच महीना तो डिवोटीज काफी प्रभुपाद से विरह महसूस कर रहे थे और जब फाइनली प्रभुपाद वहां पे पहुंचने वाले हैं तो डिवोटीज आर वेरी एक्साइटेड और वहां पे जब प्रभुपाद गए तो वही एयरपोर्ट में सारे डिवोटीज लविंग डिवोटीज आए और प्रभुपाद जब फ्लाइट से उतर के जब एयरपोर्ट के बिल्डिंग में प्रवेश करे तो ग्लास का पार्टीशन था वो ग्लास की पार्टीशन से देख रहे हैं प्रभुपाद की डिवोटीज प्रभुपाद को वो कर रहे हैं प्रभुपाद को देख के झुक के प्रणाम कर रहे हैं तो यहाँ पे आके वापस प्रभुपाद को अपना फैमिली मिल गया स्पिरिचुअल फैमिली और प्रभुपाद जब आए तो कस्टम में जो कस्टम होता है इमिग्रेशन सेंटर के थ्रू से सेक्शन से थ्रू से, से आना पड़ता है तो डिवोटीज देखे इमिग्रेशन ऑफिसर ने प्रभुपाद की स्वीट को खोला और देखे उसमें क्या क्या सामान है उस सब प्रभुपाद के आयुर्वेदिक मेडिसिन था बोले इसको भी खोल के दिखाओ

इसी प्रकार प्रभुपाद को देख के सारे डिवोटीज आ गए और प्रभुपाद के सामने और प्रभुपाद बैठे सबसे पूछ रहे आप कैसे आप कैसे सब डिवोटीज से प्रभुपाद बात कर रहे हैं सब हो रहे थे उसके बाद प्रभुपाद ने जो है अपनी को खोला और फिर प्रभुपाद ने दिखाया इंडिया से क्या क्या लाए कुछ कुछ सामान लाए वहां के लिए और फिर फाइनली प्रभुपाद ने उनकी जो फीमेल डिसाइपल्स हैं जानकी माता जी बोले जानकी आप आओ तो वो आए प्रभुपाद अपने और वो साड़ी उनको गिफ्ट किया वो इट वॉज ए सरप्राइज फॉर माता जी कि प्रभुपाद इंडिया से इतना वो दूर गए और वो जानकी माता जी के लिए साड़ी लेके जाएंगे तो वो जाके इनको गिफ्ट किया उसके बाद बोले जमुना मत जमुना आप आओ तो वो आए तो उनके लिए एक साड़ी दिया इस तरह से जितने भी माता जी वहां पे थे सबको प्रभुपद ने एक एक साड़ी उनको गिफ्ट किया एंड वो सारे इतने वो हो गए टच्ड हो गए प्रभुपद की इस गिफ्ट से और कहीं माताजी थे उनको ने जो कलर उनको गिफ्ट किया वो कलर उनकी बेस्ट कलर था फेवरेट कलर था और उनमें से उन माताजी ने वो जो साड़ी को इतना अच्छे से पहना कि लास्ट जब पूरा फट गया तब तक वो साड़ी को पहना तो ये जो था प्रभुपाद का डीलिंग्स uh, ने गिफ्ट्स इंडिया से यहां से लेके गए दैट शोस प्रभुपाद का

तो जिसे रूप गोस्वामी भी बताते हैं ददाती प्रति घृणा और ये प्रभुपाद बताते हैं, इस कौन में भक्तों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए ये गिफ्ट्स लेना देना इट्स ए ग्रेट वे ऑफ डेवलपिंग रिलेशनशिप एंड पर्सनली गुरु होते हुए उन्होंने ये गिफ्ट्स लेके गए है ना तो इससे पता लगता है कि प्रभुपाद उनके बारे में सोच रहे हैं उनको क्या पसंद है तो सोच रहे है, उनको खुश करने के लिए प्रभुपद लेके गए उसके बाद फिर प्रभुपाद का अभी अमेरिका जाने के बाद ही प्रभुपाद को क्या लग गया कि अब इतने सारे सेंटर से बहुत सारी चीज करना है समय बहुत कम है अब प्रभुपाद अगेन लाइक स्टार्टेड ट्रैवलिंग गोइंग फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर अभी तक वहां पे लगभग लग लग पंद्रह सेंटर बन चुके थे जब प्रभुपाद पहुंचे अब तुरंत प्रभुपाद वहां से गए कहा लॉस एंजलिस और वहां पे लॉस एंजलिस में फिर से मिले वहां पे गाइड किया फिर वहां पे प्रभुपाद ने जो है लॉस में उन्हें राधा कृष्ण को इंस्टॉल किया तो पहला टेंपल है जहां पे राधा कृष्ण डी प्रभुपाद ने इंस्टॉल किया और वहां पे उन्होंने डिवोटिस के लिए डीटी वर्शिप का प्रोसेस को स्ट्रिक्ट मतलब इलाबोरेटली अच्छे से डीटी इंस्टॉलेशन डीटी वर्शिपिंग जो है स्टार्ट करवाया और बोले कि धीरे-धीरे सारे इस कॉन सेंटर में ये डीटी वर्शिप का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना चाहिए सब लॉस एंजेलिस टेंपल से सीखना चाहिए तो उसी लॉस एंजेलिस टेंपल से फिर प्रभुपाद गए कई सारे और सेंटर्स में और फिर फाइनली जैसे चार महीने का ये वीजा था प्रभुपाद को वो वीजा लगभग एक्सपायर हो गया था तो फिर प्रभुपाद वहां से गए अब अमेरिका में रह नहीं सकता उसको रिन्यू करने के लिए उनको बाहर जाना होगा तो फिर प्रोपर कनाडा में मॉन्ट्रियल टेम्पल में गए तो इट समर में अराउंड जून की समय है। तो वहां पे गए उस मॉन्ट्रियल टेम्पल में द थर्ड टेम्पल तो जो पहले प्रोपर जाना चाह रहे थे लेकिन वो हेल्थ कंडीशन के कारण वो इंडिया में आए तो अब वो पहली बार मॉन्ट्रियल टेम्पल में गए अब उस मॉन्ट्रियल टेम्पल में जो है जब प्रभुपाद वहां पे लगभग लग तीन महीना थे क्योंकि वो वीजा को उनको रिन्यू करना था तो उस दौरान कई सारे डिवोटिस प्रभुपाद से पहली बार मिले और इसकोन में आए मॉन्ट्रियल टेम्पल में तो वहां पे एक थे जो है जयप्रकाश स्वामी महाराज तो जयप्रकाश स्वामी महाराज बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में ज्वाइन किए थे इस कौन को लेकिन वो जब ज्वाइन किए थे उसके बाद प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में नहीं आए थे तो वो प्रभुपाद से मिलना चाह रहे थे मिलना चाह रहे थे लेकिन जब उनको पता चला प्रभुपाद अब मॉन्ट्रियल में काफी समय से रह रहे हैं तो उन्होंने जो है मॉन्ट्रियल आए और प्रभुपाद से वहां पे मिले और उसी समय फिर जो है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो उस समय मॉन्ट्रियल में थे उन्हें मैगिल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे थे और साथ साथ वो कोई जॉब भी कर रहे थे तो वो ढूंढते ढूंढते वो भी आए थे वहां पे और मॉन्ट्रियल टेम्पल में वो आए तो एक दिन जब मॉन्ट्रियल टेम्पल में आए तो उनको पता चला कि प्रभुपाद अगले दिन आने वाले हैं और वहाँ पे को तो प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज ने पूछा कि क्या मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ जो प्रभुपाद आ रहे उनके लिए तो उन्होंने कहा कि यस आप कर सकते हो तो प्रभुपाद का जो क्वार्टर है वो वो उसमें है ना अभी अभी रेंट में लिया है और वहाँ पे पहले नॉन डिवोटीज नॉन रहते थे तो वो उसको साफ करना है उसको थोड़ा रेडी करना है प्रभुपाद के लिए ज बहुत उत्साह के साथ गए और ऑल तो वो बहुत ही बिजनेस मतलब हाँ, टॉप क्लास एम्प्लॉय थे वो बहुत बड़ा पेप्सी कंपनी में सूट कुट में वो आते थे उस समय टेंपल में लेकिन वो एकदम से तैयार हो गया उस रूम को साफ करने के लिए और लगभग दोपहर को दो बजे का बाद से उन्होंने स्टार्ट किया फ्लोर को सफाई किया सीलिंग सफाई किया कबर्ड सफाई किया सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन रात को आठ बजे तक वो सफाई करते रहे हैं। रूम को इतना सुंदर, हैं। इतना सुंदर नीट एंड क्लीन समय से, रात आठ बज गया रेस्ट करने का समय है तो सब फिर गोपाल कृष्ण महाराज को लेके गए बोले अब हो गया अब आ जाओ अब मिल्क प्रसाद ले लीजिए हमारा साथ बैठ के तो उन्होंने फिर उनके साथ मिल्क प्रसाद ली है और अगले दिन जब प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद को एयरपोर्ट को रिसीव करने के लिए सारे डिवोटीज गए लेकिन महाराज नहीं गए सोचे मैं तो, मैं तो तो है ना नया डिवोटी हूं, मैं कैसे मिलूंगा तो लेकिन जब प्रभुपाद आए और अपनी रूम को देखे तो प्रभुपाद बहुत प्लीज हो गए कि कौन रूम को इतना सुंदर से सजाया इतना सुंदर से साफ किया तो जब प्रभुपाद को पता चला ये गोपाल कृष्ण महाराज के महाराज ने ऐसे किया तो प्रभुपाद वॉज वेरी प्लेज और वही इंडिया के कहीं इंडियंस उस समय अमेरिका में आते थे अमेरिका में सेंटर्स में लेकिन सब लोग आके प्रोपाद से थोड़ा सा मिलके चले जाते थे प्रभुपाद के लेक्चर को कोई बैठ के अच्छे से नहीं सुनते थे लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज वो प्रभुपाद के पूरा लेक्चर को सुनते थे लास्ट तक रहते थे और सारे क्वेश्चन सब प्रभुपात से पूछते थे डाउट्स क्लियर करते थे और कुछ ही समय में प्रभुपद के फेवरेट डिसाइपल बन गए तो यहाँ पे भी हमें एक शिक्षा रत्न मिलता है कि जब हमें कोई मौका मिले कोई मीनियल सर्विस जैसे सफाई करना कपड़े धोना इस टाइप से मीनियल सर्विस तो वो सर्विस हमें बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए क्योंकि ऐसे सर्विस के द्वारा हम गुरु का और कृष्ण के नजर में बहुत जल्दी आ सकते हैं क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे चीज सर्विस नहीं करना चाहता लेकिन भक्त जो है वो जानते हैं ऐसे सर्विस सारे सर्विस दिव्य है और मिनियल सर्विस खास करके बहुत ज्यादा प्योरिफाई भी करता है और भगवान की प्रिय भी बनाता है जैसे राजा प्रताप रुद्र थे वो चैतन्य महाप्रभु की प्रिय बन गए जब उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने का रथ को रथ के सामने रास्ता को झाड़ू दिया तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये शिक्षा मिलता है तो उसके बाद फिर जो है प्रभुपाद अब सोचने लगे अमेरिका में इतने सारे सेंटर्स खुल गए अब ये मूवमेंट तेजी से फैल रहा है लेकिन साथ में ये भी डेंजर है एक एक डिवोटी एक एक सेंटर को चला रहे हैं उनको काफी स्ट्रगल भी हो रही है लेकिन प्रभुपाद लेक्चर के द्वारा उन सबको एनकरेज कर रहे हैं अब प्रभुपाद का जो आ, प्लान है वो ये है कि अमेरिका में तो फैल रहा है लेकिन एक एरिया एक कंट्री जहां पे ये प्रीचिंग करना प्रभुपाद के लिए एक काइंड ऑफ ड्रीम है या प्रभुपाद के इच्छा स्ट्रांग है और वो है इंग्लैंड ब्रिटिश कंट्री लंडन तो वो क्यों है क्योंकि उस जगह पे प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो अपने शिष्य को भेजे थे लंदन में कि वहां पे जाके जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार करे तो उनके गुरु महाराज की इच्छा था इसलिए प्रभुपाद का हाँ भी वो स्ट्रॉन्ग इच्छा था और ब्रिटिश एक तरह से काफी प्रेस्टिजियस जगह है उस समय कथा तो प्रभुपाद जो सोच रहे ब्रिटिश कंट्री में इंग्लैंड में जाके प्रचार करना अब अमेरिका में जो उनकी शिष्य हैं वो सारे अमेरिका में ही हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं फ्रेंड्स हैं तो इधर से उधर जा रहे हैं तुरंत एक तरह से मंदिर एस्टेब्लिश हो जा रहा है लेकिन ब्रिटिश में एक नया जगह है नया कल्चर है वहां पे इसको एस्टेब्लिश करने के लिए किसको भेजे प्रभुपाद तो प्रभुपाद ने जो है सैन फ्रांसिस्को के जो तीन कपल हैं जो सैन फ्रांसिस्को मंदिर को स्टार्ट किया था जो मुकुंद महाराज और उनकी वाइफ जानकी माता जी जो उनके फ्रेंड श्याम सुंदर प्रभु और 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 जानकी माताजी का सिस्टर जमुना उनके गुरुदास प्रभु ये तीन कपल को गृहस्थ डिविज को प्रभुपाद ने अपॉइंट किया कि आप तीन कपल तीन फैमिली आप जाओ और तो वो लोग सोच रहे थे प्रभुपाद क्या हम कर पाएंगे ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है तो प्रभुपाद उनको मॉन्ट्रियल में बुलाए प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में काफी समय तक तो थे और वहां पे प्रभुपाद ने फिर उनको जो है ट्रेन किया कि ब्रिटिश में जाके इंग्लैंड में कैसे प्रचार करना है। तो उन्होंने उनको समझाया कि उस समय उनकी जो गॉड ब्रदर्स गए थे सन्यासी लोग गए थे वो जाके वहां थे लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो पाया लेकिन आप लोग जब जाना तो आप लोग संकीर्तन करना और संकीर्तन कैसे करना ने बताया संकीर्तन ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है ये हृदय से भगवान के सरेंडर का एक्सप्रेशन है तो आप लोग उसी तरह से संकीर्तन करना स्ट्रीट्स में और हम पूरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ब्लेसिंग है आपके पास वो आपको शक्ति देंगे और ये संभव हो पाएगा इस तरह से उन्होंने जो है उनको करके उनको करके भेजा इंग्लैंड में अब ये तीनों कपल और श्यामचंद्र प्रभु का एक डॉटर भी हुआ था उस समय तो वो उसका नाम था सरस्वती बहुत छोटी थी उस समय तो उसको भी लेके जाना था तो ये इंग्लैंड जाने के लिए एक नया चैलेंज था उनका और वो जब पता लगाया कि कैसे जाना है जाने के लिए क्या तैयारी करना है किस तरह से वीजा चाहिए कैसे ये सब संभव होगा वहां पे जानने वाला कोई नहीं है तो उससे ये पता लगा कि हर एक कपल को हर एक फैमिली को चार हजार पाउंड होना चाहिए उनके बैंक में ताकि वो वहां पे जाके वो शो कर सके कि वो अपना सस्टेन करने के लिए तो उनका पास था ही नहीं तो उन्होंने ऐसे प्लान किया कि उनके पास जितने भी धन है सब इकट्ठा करके साम चार हजार पाउंड हो रहे हैं तो बोले एक काम करते हैं हम एक ही बैंक में डालते हैं और पहले एक फैमिली जाएंगे दिखा के कि, कि हमारे पास चार हजार पाउंड है फिर हम पहुंचेंगे और फिर हम वही पैसा वापस आपको भेज देंगे और फिर आप लोग फिर उसको दिखा के फिर जाना फिर इस तरह से वो तीनों कपल वहां पर पहुंचे और वहां पहुंच के उनको रहने के कोई जगह नहीं था और क्योंकि उनके लिए फॉरेन कंट्री था तो वहां पे वो लोग जो है, एक तो बहुत कष्ट सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने जब टेम्पल स्टार्ट किया इट वॉज लाइक ए फन उनके फ्रेंड्स थे और वो इस पूरा कल्चर के साथ अवगत थे लेकिन वहां पे टोटली न्यू जगह न्यू एनवायरमेंट न्यू, 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 न्यू एटमोसफियर वहाँ पे ठंड भी है मतलब डिफरेंट है वहाँ पे बारिश हो रही है तो वो उनको सहन भी नहीं हो रहा है और वहां पे वो इनकम कोई सोर्स नहीं है उनको कोई जॉब नहीं दे रहा है क्योंकि वो फॉरेनर है तो उनको बहुत स्ट्रगल बहुत हार्डशिप था वो एक साथ एक रह भी नहीं पाते थे कहीं किसी ने किसी का घर में रहते थे कभी कोई और किसी का अलग अलग जगह पे रहते थे और एक साथ कभी एक होते थे और जहां भी कहीं भी किसी हिंदू घर मिलते थे हिंदू व्यक्ति मिलते थे उनके घर में जाके कीर्तन करते थे परफॉर्म करते थे ऐसे चार महीना बीत गया कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ तो प्रभुपात बहुत वो थे एनजाइटी में कि चार महीना हो गया कोई प्रोग्रेस नहीं है तो प्रोपात गाइड कर रहे ये सब घरों में जाके मत करो आप स्ट्रीट्स में जाओ स्ट्रीट्स में जाके कीर्तन करो तो एक दिन वो लोग बहुत मुश्किल से निकले स्ट्रीट में तो एक पार्क में एक एक स्क्वायर में जाके एक स्ट्रीट के कॉर्नर में जाके उन्होंने कीर्तन किया अपने पूरा ड्रेस में डिवोटी ड्रेस में लेकिन फिर वहां पे पुलिस आ गया और उनको बोला कि यहां पे कीर्तन करना बैन है कीर्तन नहीं कर सकते तो डिसअपॉइंट हो आ गए लेकिन फिर एक दूसरे को बोल रहे नहीं नहीं स्वामी जी ने कहा तो कहीं ना कहीं करना ही है तो फिर कहीं पार्क ढूंढे वहां पे गए तो वो जब कीर्तन करे तो बारिश हो गए पूरा भीग के वो लोग आए इस तरह से बहुत स्ट्रगल किए लेकिन फाइनली वो लोग स्ट्रगल करते रहे लेकिन प्रोपाद की केवल लेटर्स उनको इंस्पिरेशन देते रहे कि नहीं इसको करना है कई बार उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वापस अमेरिका चले जाना यहाँ पे नहीं हो सकता लेकिन प्रोपाद लेटर्स में बोल रहे थे आप लोग कर सकते हो गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स है और ये प्रोपाद के लिए एक मतलब प्रोपाद का पेट प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं फेवरेट प्रोजेक्ट था ये लंदन का तो यहाँ पे फिर उन्होंने शाम सुंदर प्रो ने कुछ सोच रहे कुछ करना है तो पड़ेगा ही तो उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें बड़े-बड़े लोग जो वीआईपीस है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन सबको इनवाइट करने का प्रयास किया तो कई लोग ने उसमें एग्री हुआ और उस प्रोग्राम को फिर प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद आप आ सकते हैं प्रभुपाद बोले आप कहीं टेंपल आप पहले स्टैब्लिश करो तब मैं आऊंगा इस तरह से प्रभुपाद उनको प्रेशर दे रहे थे कि मैं तभी आज आऊंगा जब आप लोग कुछ स्टार्ट करोगे कुछ होगा वहां पे और डिवोटीज उसी उत्साह उस से काम कर रहे थे कि प्रभुपाद तब आएंगे जब हम कुछ स्टार्ट करें टेम्पल स्टार्ट होगा तो फाइनली जो वो प्रोग्राम जब हो रहा था तो प्रभुपाद ने अपनी रिकॉर्डिंग भेजा एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा और फिर ने उस प्रोग्राम को जो है लोग आए और डिवोटिस ने अपने हिसाब से उस प्रोग्राम को किया कई सारे प्रभुपाद के वीडियोस अमेरिका के जो संकीर्तन के वीडियोज ये सब दिखाया और फाइनली प्रभुपाद का वो ऑडियो टे, टेप चलाया रिकॉर्डिंग

सफल हुआ है और उसकी एक हफ्ते एक हफ्ते दो हफ्ते बाद ही जैसे जैसे वो लोग रास्ते में जा रहे हैं संकीर्तन कर रहे हैं तो न्यूज पेपर नोटिस करने लगे और उनके न्यूज छपने लगे और धीरे धीरे लोग जानने लगे उनके बारे में थोड़ा सा पब्लिसिटी होने लगे तो उनको लगा कि प्रभुपाद का एक तरह से ऑडियो ही काम कर रहा है अभी और फिर एक दिन श्याम सुंदर प्रभु वो सोचे कि उस समय लंदन की सबसे बड़ा वर्ल्ड फेमस थे सिंगर्स नो बीटल्स तो वो एक ग्रुप था तो एप्पल रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं तो श्याम सुंदर प्रभु सोच रहे थे कि वो हमेशा बड़ा सोचते हैं प्रभुपद की तरह प्रभुपद को खुश करने के लिए तो वो सोच रहे थे कि उनको अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस दे दें उनको जोड़ सके तो हमारा ये सफल हो जाएगा तो वो वहां पे पहुंचे अब बीटल्स वो लोग वर्ल्ड फेमस थे उनसे मिलना इम्पॉसिबल है तो उनकी कोई जो है असिस्टेंट से मिलना ही इम्पॉसिबल था लेकिन शाम हर आदर श्याम सुंदर प्रभु ये सोचते हुए कि उनके ऑफिस में जाके बैठेंगे और देखेंगे कोई ना कोई व्यक्ति से अगर कुछ परिचय हो जाए जिनका किसी ना किसी तरह से कनेक्शन हो तो उनसे हम मिल सकते हैं तो श्याम प्रभु वहां पे जाके रिसेप्शन में बैठे हुए अचानक से उस बिटल का जो हाँ मेन पर्सन है वो जॉर्ज हैरिसन वो नीचे है। और श्याम सुंदर प्रभु अपने डिवोटेड ड्रेस में थे शेव्ड हेड में थे और आके वो खुद आके श्याम सुंदर प्रभु से बोल बोले आर यू फ्रॉम हरे कृष्णा बोले यस तुरंत जॉर्ज हैरिसन उनके बगल में बैठ गए और बोले आप लोग कहाँ रहते हो क्या है और वो प्रभुपाद के बारे में बोलने लगे वो बोल रहे हैं कि मैं जो है बहुत ही मैं आप लोगों का जो रिकॉर्ड वहां पे रिलीज हुआ जो न्यूयॉर्क में प्रभु ने रिकॉर्ड किया था हरे कृष्णा वो मैंने लिया कलेक्ट किया वो मैं सुनता और इस तरह से उनसे बातचीत किया और श्याम सुंदर प्रभु को बोला व्हाई डोंट यू कम टू माय हाउस तो इट वाज लाइक डायरेक्टली उनका पास आ श्याम सुंदर प्रभु फिर अगले दिन उनके घर में पहुंचे और वहां पे जॉर्ज हेरिसन उनके जो पार्टनर्स थे उन लोगों से मिलाया तो जॉन लेनन करके था दूसरा जो उनके पार्टनर है और दो तीन और थे सबसे मिले और जॉर्ज हेरिसन वाज वेरी इंटरेस्टेड और श्याम सुंदर प्रभु का जो बिहेवियर था डीलिंग्स था वो इतना इम्प्रेसिव था जॉर्ज हेरिसन श्याम सुंदर प्रभु का फ्रेंड बन गए और हम्सन ने बहुत एक्सपर्टली उनके साथ डील कर रहे हैं और प्रोपाद का जब इन्फॉर्म किया कि जॉर्ज हैरिसन हमारा मूवमेंट को लाइक कर रहे हैं तो प्रोपाद बिकेम वेरी हैप्पी तो इस तरह से जो है ये डिवोटिस के लिए अब उत्साह होने लगे अब डिवोटिस को लग रहा है कि अब कुछ होगा तो फिर जॉर्ज हैरिसन ने सजेस्ट किया कि आप लोग का एक रिकॉर्ड बनाओ जैसे न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड बनाए थे वो जो म्यूजिक एल्बम उस तरह एल्बम बनना हो तो डिवोटिस पहले सोचे थे जॉर्ज हेरिसन गाएंगे वो एल्बम बनाएंगे लेकिन जॉर्ज हेरिसन बोले नहीं आप लोग गाओ और हम अपना जो बीटल्स का जो एप्पल रिकॉर्ड की जो ब्रांड है हम उस ब्रांड से इसको रिलीज करेंगे तो जो भी इसका इनकम होगा वो आपको मिलेगा वो प्रॉफिट क्योंकि आप लोग सिंगर होंगे तो डिवोटिस उनके लिए पहली बार था मतलब ऐसे इतना बड़े लेवल पे एंड सम हाउ प्रभुपाद के ब्लेसिंग्स को ये करते हुए डिपेंड करते हुए उस पर वो लोग गए और वो लोग जो है जाके ये परफॉर्म किया उस उनकी स्टूडियो में जाके इट वाज अ वेरी बिग थिंग पूरा वर्ल्ड फेमस थे वो लोग और वो जो जो फाइनली जो रिकॉर्ड वो हो गया वो म्यूजिक का हुआ, उसके बाद जब इसको रिलीज करना था तो एप्पल रिकॉर्ड कंपनी की तरफ से बिटल्स की तरफ से बड़ा आयोजन किया था प्रेस रिलीज और ये पब्लिसिटी की अब ये ये जो एल्बम है ये रिलीज किया जा रहा है तो बहुत प्रेस वो सब आए थे और उनके डिसाइपल गए तो फाइनली ये जब रिलीज हुआ तो पहला दिन ही सेवेंटी थाउजेंड जो है कॉपी इसका सोल्ड हो गया सो इट वाज वाज सच बिग सक्सेस एंड एंड वेरी हैप्पी बताया जल्दी आप टेंपल ढूंढो तो वो टेंपल के लिए उन्होंने एक जगह एक बिल्डिंग फाइनल किया और वो फाइव स्टोरी बिल्डिंग था और वो तुरंत डिवोटीज वहां पे जाके शिफ्ट हो सकते थे तो शिफ्ट होने ही वाले थे एक तरह से लेकिन फिर तुरंत और एक बाधा आ गया कि उस बिल्डिंग में उनके परमिट नहीं है वहां पर रेसिडेंस का परमिट नहीं है कि वो जो है उसको परमिशन पहले लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से और वो टाइम लग सकता है तो उसके लिए फिर टाइम लग रहा है आप डिवोटिस के रहने के लिए जगह नहीं है तो जॉर्ज हेरिसन का जो फ्रेंड थे वो जो जॉन लेनन है उसका एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस है और वो उन्होंने ऑफर किया कि उस जगह पे आके रह सकते हैं तो प्रभु बताते हैं, हैं, हैं।, हैं। तो वो वो, मतलब फेवरेबल था लेकिन वो उतना इंटरेस्टेड नहीं थे भक्ति के लिए खास करके उनकी जो वाइफ है वो बिल्कुल नहीं थे तो वो उसी फार्म हाउस में रहते थे, थे एक अपना एक बिल्डिंग था

तो सितंबर का समय प्रभुपाद ने निर्णय किया इट वाज 1969 का तो फिर प्रभुपाद फाइनली आए लंदन में तो हित्रो एयरपोर्ट में आप जो प्रभुपाद की रिसेप्शन का प्लान किया डिवोटीज ने इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रिसेप्शन कैसे किया डिवोटीज ने वहां पे लंदन में जॉर्ज हेरिसन की मदद से और वहां पे कोई सी एयरलाइंस के साथ उन्होंने टाई अप किया प्रभुपात की डिसाइक कैसे सर्व कर रहे थे प्रभुपात को तो उन्होंने देखा था था पिछले बार जो कस्टम में इतना डिफिकल्टी हो रहा प्रभुपात को तो उन्होंने ऐसे किया प्रभुपात को वीआईपी रिसेप्शन दिया प्रभुपात का कस्टम के जो प्रोसेस उसको बाईपास करवाया कि प्रभुपात डायरेक्ट फ्लाइट से उतरे कार गए प्रभुपात को लेके डायरेक्ट वीआईपी लॉन्च लॉन्च में लेके आए और वहां पे जैसे आए वहां पे पूरा एक सोफा में अच्छे से कपड़े बिछा के प्रभुपाद के लिए स्वागत की व्यवस्था किया वहां पे सारे न्यूज चैनल्स वगैरह सब आए हुए थे एंड इट वाज ऐसे कीर्तन कर रहे थे जैसे आसपास कोई है ही नहीं तो न्यूज पर्सन जो थे प्रेस वो लोग पीछे ही हो गए कि उनको बोलने का कोई मौका ही नहीं है तो फाइनली जब कीर्तन थोड़ा सा शांत हुआ तो न्यूज प्रेस आए और प्रभुपाद से पूछा कि व्हाट डू यू से अबाउट दिस रिसेप्शन आपको जो इतना धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है तो प्रभुपाद ने बोले आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गुड रिसेप्शन मैं इसके अभिलाषी नहीं हूं मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि ये जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है ये लोग कितना अच्छा से रिसीव कर रहे हैं यही मेरा हाँ इंटरेस्ट है तो इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से आंसर दिया और और उससे दिखा रहे प्रभुपाद प्रभुपाद कि नॉट टू एनीथिंग के लिए रॉयस कार रखा हुआ था जो जॉन जो लेनन ने अपना कार को दिया था कि प्रभुपाद के लिए और उस कार में करके प्रभुपाद लंदन देखते हुए पहली बार तो प्रभुपाद जब कार में आ रहे हैं प्रभुपाद को याद हो रहा है कि उनकी मा मादर ने चाहती थी कि वो लंदन में आए बैरिस्टर बने उनके फादर उनको लंदन नहीं भेजना चाह रहे थे सोच रहे थे यहाँ पे आएंगे तो वेस्टर्न कल्चर से वो बिगड़ जाएंगे लेकिन आज प्रभुपाद आए लेकिन उनके पर्पज डिफरेंट है उनके गुरु महाराज की आदेशों का पालन करना है इस मिशन को स्थापन करना है तो जब प्रभुपाद उस फार्म हाउस में पहुंचे तो उनके अपने क्वार्टर में गए तो वहां पे डिबोटी से मिले और फिर जो है एक समय बाद जॉर्ज हेरिसन भी आए और जॉन लेनन आए और उनके फ्रेंड्स भी आए प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद से मिलके जॉर्ज हैरिसन काफी हो गए लेकिन वो पूरा तरह से भक्ति में एकदम से तो है ना नहीं लगे क्योंकि वो बिग सुपर स्टार है और प्रभुपाद भी उनको इतना ज्यादा फोर्स नहीं किए वो जितना दूर में रेखे जितना फेवरेबली हेल्प कर सकते उसी को प्रभुपाद अप्रिशिएट कर रहे थे क्यों टू मच फोर्स करने से वो शायद नहीं करेंगे तो उससे जॉर्ज हैरिसन काफी इम्प्रेस थे प्रभुपाद की डीलिंग से तो उस दौरान जो है ये सारे न्यूज चैनल में में न्यूज पूरा छा गया कि प्रभुपाद पे आए और जो है वो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस पे जो है वो फेवर कर रहे हैं वो लाइक करते हैं इस तरह से तो प्रभुपाद के कुछ शिष्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में उन्होंने कुछ बुकलेट्स वगैरह छाप लिया कि प्रभुपाद इज नाउ डायरेक्ट काइंड ऑफ

मैं ऐसे डायरेक्टली उनके जो है गाइड नहीं हूँ उनको ऐसे इतना इंटीमेटली मैं गाइड नहीं कर रहा हूँ वो लोग तो जस्ट एज ए फेवरेबल पर्सन आ रहे हैं मिल रहे हैं तो अगर ये चीज वो लोग देखेंगे तो उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा और ये फैक्ट नहीं है तो हाँ आई अप्रिशिएट आप लोग ओवर एंथम में ये सब लिखा है लेकिन दिस इज नॉट द फैक्ट तो अगर आप लोगों ने इस बुकलेट को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इसको आप बंद कर दो शिक्षा देते हैं कि हम ओवर एंथम होते हैं और हम कभी चीज को थोड़ा सा बढ़ा के बोलने का कोशिश करते हैं लेकिन प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि वी शुड नॉट फैक्ट्स जस्ट बिकॉज इम्प्रेस और टून बहुत पर्टिकुलर थे और प्रोपाद ने उनको करेक्ट किया तो उसके बाद प्रोपाद कुछ समय तक यहाँ पे रहे जब इसमें फार्म हाउस में और प्रभुपाद प्रेशर दे रहे हैं जैसे यहाँ पे आए प्रोपाद प्रेशर दे रहे हैं डिवोटिस को आप जो वो जो बिल्डिंग लिया हुआ है टेम्पल के लिए उसको रिनोवेट करो और जल्दी से इसका जो भी परमिट है उसको लो और टेम्पल एस्टेब्लिश करो इसको जल्दी से हमें टेम्पल एस्टेब्लिश करना है और हमें उसमें प्रवेश करना है और इस दौरान जो है डिवोटिस ने ताकि प्रभुपाद यहाँ पे ही रहे और कहीं जाए नहीं इसलिए प्रभुपाद के लिए कई सारे उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया नेक्स्ट थ्री मंथस के लिए प्रभुपाद के लिए सारे बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने प्लान कर रखा है आप प्रभुपद एक तरह से फंस गए हैं प्रभुपद जा नहीं सकते तो प्रभुपद स्माइल कर रहे हैं आ, उसको एक्सेप्ट किया लेकिन प्रभुपद प्रेशर दे रहे क्यों प्रभुपद को पता है तीन महीने में भी शायद ये टेंपल रेडी नहीं होगा तो ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जब जा रहे थे तो प्रभुपद एक टाइम एक प्रोग्राम में गए टीवी इंटरव्यू था वो वहां पे जो एंकर था वो बहुत ही एक तरह से मतलब एक्सपर्ट टाइप का थे और वो कोई भी आते थे इंटरव्यू उसको मतलब काफी उसका वो कर देते थे मतलब ना ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि वो आंसर ही नहीं कर सकते तो उन्हें सोच रखा है आएंगे क्योंकि वो स्पिरिचुअल है वो धर्म का प्रचार करे तो उनको ऐसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रभुपाद आंसर शायद नहीं दे पाएंगे तो ही प्रभुपाद kind of तो पूरा डिपेंडेंट ऑन कृष्णा तो, <laughs> तो प्रभुपाद वहां पे पहुंचे और उसने जो है सबसे पहले प्रभुपाद से यह प्रश्न पूछा कि उसका जो मेन ट्रंप क्वेश्चन है एक तरह से सबसे उसने सोचा कि बहुत है ना टफ क्वेश्चन पूछेंगे देखते हैं प्रभुपाद क्या आंसर देते हैं तो पूछते हैं स्वामी जी क्या आपकी रिलीजन में कोई नरक का कोई वो है कॉन्सेप्ट hmm, है तो प्रभुपाद एक सेकंड के लिए सोचे बोले यस लंडन इज हेल ये ही नरक है अब जैसे प्रभुपात ने बोले वो आश्चर्य हो गया। क्या बोल रहे हैं लंडन में है और वो लंडन में है तो प्रभुपात बोले देखो ये बहुत ही डैम्प है सूर्योदय सूर्य है ही नहीं सूर्य का दर्शन नहीं होते हैं बारिश हो रहे हैं जो है कैसा जगह है इंडिया में देखो इतना हर रोज सनशाइन होता है अब ये जो सुना, ये सुना उसका जो शोकर था वो कुछ बोलने लायक रहा ही नहीं और वो उसका बस कोई शब्द नहीं था वो कैसे क्या बोलेंगे क्या बोलना चाह क्या बोले वो तो प्रभुपाद समझ गए नाउ और उसके प्रति प्रभुपाद की दया आ गया और प्रभुपाद बोले बट आपकी जो कंट्री है वो ऐसे जगह पे भी अच्छा कल्चर बना दिया अच्छा एक सिविलाइजेशन बना दिया अच्छा सिटी बना दिया दैट इज वेरी अप्रिशिएबल अब इससे उसका फिर हा? जो है थोड़ा सा उसको अच्छा लगने लगा और फिर बोलना शुरू किया एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत एक्सपर्टली दक्षता से हर इंटरव्यू हर प्रोग्राम को करते रहे हैं. तो ऐसे करते रहे और प्रभुपाद प्रेशर देते रहे कि आप जो है ये टेम्पल को एस्टेब्लिश करो स्टार्ट करो और टेम्पल के लिए जो श्याम सुंदर प्रभु है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे उनका इच्छा था कि जैसे बहुत अच्छे से कर्विंग हो टेम्पल में बहुत अच्छे से ये वो हो लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए तो कई डिवोटीज बोल रहे थे कि इतना टाइम कैसे जो है जरूरत नहीं है ये सर कर्विंग वगैरह करना लेकिन प्रभुपात कह रहे हैं कि ओके लेट हिम डू दैट क्योंकि वो चाहते हैं उनको करने तो तो ऐसे धीरे धीरे फिर फाइनली दिन आ गया जहाँ पे ये टेंपल को टेम्पल ओपनिंग करना है अब डीटी इंस्टॉल करना है अब डीटी कहाँ आएगा तो एडवर्टाइज किया उन्होंने कि हमें एक डी चाहिए राधा कृष्ण डीटी चाहिए तो तुरंत एक जगह से एक फोन आया कि वहां पे वो एक हिंदू सोसाइटी है और उन्होंने अपने घर के लिए एक डीटी लाए थे राधा कृष्ण डीटी इंडिया की जयपुर से और वो बहुत ही सुंदर डीटीज हैं और वो चाहते हैं कि वो डीटीस अगर ये इसको लेना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं तो उनके शिष्य के साथ वहाँ पे पहुंचे और जैसे डीटीस को देखा प्रभुपद जो है अपने डिसाइपल को बोले उठा के देखो कितना भारी है तो एक, -एक डिसाइपल उठाए बोले इतना उठा सकते हैं बोले चलो आप ले चलो अपने गाड़ी में ले चलो से कुछ ज्यादा बात ही नहीं किया उनसे नॉर्मल बातचीत तो बोले रुकिए रुकिए स्वामी जी हम व्यवस्था करेंगे आपको वहां तक को पहुंचाने के लिए नहीं नहीं हमारा गाड़ी है हमारा हम आराम से पहुंच सकते <laughs> तो इस तरह से प्रभुपाद ने अपनी गाड़ी में डिटीज को रख लिया और चल पड़े अपनी टेम्पल की ओर जाते जाते बीच रास्ता में ही प्रभुपाद ने अपने सर घुमा के प्रे करने लगे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजाम और प्रभुपाद बोल रहे ये कृष्ण की प्लान है कि फाइनली ये mm, संभव हो पाया जो उनके गुरु महाराज का ड्रीम था कि लंदन में ये टेंपल एस्टाब्लिश होगा एंड प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी डिबोटीज इतना हार्ड वर्क कर रहे थे एंड प्रभुपाद गेव ऑल क्रेडिट्स टू तो हिस्सोटीज सो so फाइनली ये ओपनिंग सेरेमनी था डी इंस्टॉलेशन एंड ओपनिंग सेरेमनी इस टेम्पल का प्रभुपाद ने बोले सबको इन्विटेशन दो यहाँ का तो आसपास के सब लोग आए तो सब लोग आए अब इंस्टॉलेशन सेरेमनी हो रहा था तो कार्टेन के पीछे जो है डीटी को अभिषेक किया जा रहा था उनकी ड्रेस अप करा जा रहा था तो वो सब प्रभुपाद कर रहे थे तो उस समय उस ऑल्टर में जो पिलर्स थे चार पिलर के ऊपर जो एक क्राउन से क्राउन रखा हुआ था सुंदरता के लिए अब वो जो बड़े पिलर हैं उनमें से एक पिलर गिरने लग रहे थे और वो अगर गिर जाते तो वो पूरा क्राउन जो था वो के ऊपर गिर जाते हैं तो प्रभुपाद ने देखा कि ये पिलर गिर रहे हैं तो प्रभुपाद ने तुरंत आए और प्रभुपाद ने उस पिलर को रोका और डिवोटिस को बोला किसने ये पिलर को लगाया था ये पिलर लेके जाओ तो वो कार्टिन के अंदर से सारे डिवोटिस पिलर को हटाया वो जो ऊपर का क्राउन है उसका हटाया और फिर डी को इंस्टॉल किया और बाकी लोग बाहर जो कार्टन के बाहर है उनको पता नहीं चल रहा ये पिलर लेके जा रहे क्यों उनको लग रहा है ये सीरोमनी का ही पार्ट है कि ये पिलर अंदर से लेके जा रहे डिवोटिस और फिर फाइनली कार्टन ओपन हुआ और राधा प्रोपा ने नाम दिया इनका राधा लंडन ईश्वर तो लंडन के ईश्वर है तो इस तरह से प्रभुपाद ने ये जो बड़ा माइलस्टोन था इस का कि लंदन में इस होना ये, ने, ये तीन गृहस्थ डिवोटीज के द्वारा उन्होंने कल्टिवेट गुड रिलेशन विद गॉड ब्रदर्स एंड अदर डिवोटीज नो मैटर हाउ एडवांस्ड यू आर तो जैसे प्रभुपाद अपनी गॉड ब्रदर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे थे

तो उन्होंने उनका मन में इंस्पिरेशन हुआ कि अमेरिका में जाके और अच्छा से तो शिष्य के लिए गिफ्ट लेके गए थे इंडिया से बी विलिंग टू डू मेनियल सर्विस फॉर गुरु एंड कृष्णा सच सर्विस कैन ड्रॉ देर अटेंशन क्विकली जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के रूम को क्लीनिंग किए थे डोन्ट एक्सिजरेट द फैक्ट ड्यू टू ओवर एंथुजियजम टू इम्रेस जय प्रभुपात जय प्रभुपात प्रभुपात जय प्रभुप जय शिला प्रभुपात जय प्रभुप जय प्रभुपात प्रभुपात जय प्रभु पा जया प्रभु पा जय प्रभु पा जया प्रभुप जय प्रभु पा जया प्रभु पा जय प्रभु पा जया प्रभु पा जय प्रभु पा जया शा प्रभु पा प्रभुप Prabhupada, Prabhupada, Jaya, Prabhupada, Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada.